बताओ मैं बताऊँ. हाँ सो हनीमून नाइट है हमारा और बहुत कुछ हो रहा है. फॉर द फर्स्ट टाइम वी बोथ नाउ म्यूचुअली वी हैव फॉलन फॉर वन अनदर. लेकिन वो हिट एंड मिस वाला हो रहा है. यू नो शी इज शाय, जैसे नई नवेली दुल्हन होती है. एंड आई एम ऑल्सो रियलाइजिंग दैट आई हैव सडनली फाउंड लव. सो इट्स दे वेरी नाइस सीन्स, वेरी वेल रिटन सीन्स. और हमें भी मज़ा आ रहा है करने में बिकॉज फॉर हर ऑल्सो यू नो बहुत सारे कालासुर के सीन्स के बाद शी इज़ गेटिंग टू डू ऑल दीज बेडरूम हॉल वाले सीन्स. सो आई एम श्योर इट्स रिलैक्सिंग फॉर गेटिंग अ ब्रीदर. सो वो होता है ना कि जब आप कंटेंट, बहुत ही सुकून वाली नींद है ना. She's giggling all the time. I don't know why. हाँ अच्छा ओके. हाँ तो बहुत ही मतलब as you said content and you know when you're in love you just want to smile. वो वैसी feeling है कि मैं भी smile कर रही हूँ अलग सोफे पे सोकर. ये भी राज भी अलग से bed पे सोकर smile कर रहे. तो एक एक happy feeling वाला scene है. So that's why you felt like that. क्योंकि हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम दोनों अभी फिलहाल अनकंफर्टेबल है एंड हमें अपनी हम अपने रिश्ते को टाइम देना चाहते हैं. क्योंकि जिस तरह से शादी हुई है, जिन परिस्थितियों में शादी हुई है, परिस्थिति देखा कितना अच्छे अच्छे वर्ड्स में यूज कर रहा हूँ, सर्कमस्टेंसेस बोल रही थी इस परिस्थिति. हाँ सो उसमें यू नो वी आर द न्यू एज कपल हु डजंट बिलीव इन जस्ट बिकॉज वी हैव बीन मैरिड वी हैव टू कम क्लोज ऑन द फर्स्ट नाइट. सो वी अंडरस्टैंड ईच अदर्स इनहिबिशंस और अनकम्फर्ट. जल्लू टिंडे और लाल मिर्ची. हाँ वो तो शुरू से था, फर्स्ट एपिसोड से दैट वाज देयर. सॉरी एक सेकंड. आर वी रिवीलिंग दैट ऑलरेडी? ओके या सो बहुत ही बड़ी दुर्घटना घट गई है. मेरे गाड़ी के आगे महेंद्र जी आ गए थे. मेरा ये मानना है कि ये मुझसे हुआ है बट इसके पीछे करुणा का हाथ है ऑब्वियसली. बट टू नो दैट यू हैव किल्ड योर फादर इन लॉ इज अ बिग बिग गिल्ट एनी वन वुड गो थ्रू. सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग थ्रू. और मेरे दिमाग में अलग अलग तरह के इमेजिनेशंस चल रहे हैं क्योंकि मुझे करुणा ने मना किया था कि गौरी को मत बताना, अगर गौरी को बता दिया तो वो हो सकता है अपनी जान ले लेगी. सो वो ही हो रहा है. आई एम इमेजिनिंग दैट शी शूटिंग हरसेल्फ. करेक्ट करेक्ट या यही है एग्जैक्टली कि शी इज नॉट फॉरगिविंग, शी इज नॉट गिविंग इट अ सेकंड थॉट एंड शी इज रियली बिलीविंग दैट आई हैव किल्ड अ फादर. ऑफ कोर्स बट देर विल बी अ लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिकॉज इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग. इट्स नॉट सम मतलब आप इट्स नॉट अ वॉक इन द पार्क के आपने किसी को जाके बता दिया कि यार ऐसा ऐसा हो गया था और वो मान लेंगे. तो एक सदमा लगता है किसी को भी, बहुत बड़ा सदमा है और उससे बाहर निकलने के लिए किसी को वक्त देना पड़ता है. उसके बाद देन यू कैन यू नो स्टार्ट मेकिंग अदर पर्सन अंडरस्टैंड दैट दिस इज हैपेंड एंड दैट हैपेंड. I know, it's very unfortunate, right? That's what we were thinking, कि अभी अभी नया नया romance जागा था और suddenly ये सब हो गया. So it's sad, but what to do? Correct, क्योंकि Karuna has been manipulated by Kalasur and Kalasur wants Gauri. तो वो ऑब्वियसली नहीं चाहेगा कि राज उसके दिल पे राज करे. आगे हमें और क्या देखने मिलेगा? आपका रोमांस जारी रहेगा या फिर वापस लड़ाई होगी? या मतलब रोमांस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है तो रोमांस कंटिन्यू रहेगा, बरकरार रहेगा. लेकिन उसके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, थोड़ी नाराज़गी रहेगी फॉर सम टाइम.
and then let's see how I deal with it. Thank you. No problem.